चलिए इस बीच एक बार M&M देख लीजिए, जैसे ही सेल्स फिगर आई, बिक्री की आंकड़ा है, उसके बाद एक स्पाइक में स्टॉक लगभग 1450 की ट्रेजेक्टरी में दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आ चुका है। आई थिंक मैं इसके चार्ट्स को और थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहूँगा। M&M 1460 पे ये इनफेक्ट एक अलर्ट में और आपको दे देता हूँ, ये अपने करियर के हाई पर है, एट ऑल टाइम हाई M&M अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर। तो देखिए इस दौर में किस किस स्टॉक ने अपना हाई छुआ, नॉट एग्जैक्टली मारुति ऐसे 6 महीने पहले अपना हाई छू चुका है, मारुति, M&M, अशोक लेन, एंड ये देखकर खुशी हुई मिहिर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एंड फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट से जुड़ा एक स्टॉक एटलीस्ट क्रिएटिंग न्यू हाई। नहीं, और इसमें देखिए एक जो दूसरी बड़ी खबर है वो क्या है कि एक तो इनफैक्ट कल हम इस पर बात कर भी रहे थे कि ये एकमात्र ऐसी लिस्टेड कंपनी है कि जो इनका जो डिफेंस आर्म है उसके 100% ओनरशिप M&M के पास है, जो कि लिस्टेड एंटिटी है, राइट। आज वो खबरें भी छपी हैं कि भारत इनफैक्ट पहला सबसे बड़ा ऑर्डर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए हो सकता है अगले हफ्ते प्लेस करे, और उसमें L&T भी खैर उसमें फ्रंट रनर है, लेकिन वो जो बोफोर्स गन जिसका ऑर्डर भारत प्लेस करने वाला है, उन गन्स को चलाने के लिए जो व्हीकल होता है वो व्हीकल M&M बनाती है। वो तो मार्केट भी ऑब्वियसली ये चीजें देख रहा होगा, क्योंकि गन तो चलो एक कंपनी बना के सप्लाई करेगी, वो गन जिस पर माउंट होती है वो व्हीकल जो है वो भी उतना ही अहम होता है, और उसमें M&M आगे है। तो ये देखिए अच्छा मुंह 2% ऊपर, राकेश क्या करेंगे आप M&M पर? देखिए मेहर, काफी बड़े चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट बुधवार को वीरेंद्र से बात भी हो रही थी, वीरेंद्र ने भी ये चीज पॉइंट आउट करी थी, स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरे जैसे वीरेंद्र कह रहे थे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो स्टॉक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग ले रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है 1500 के लेवल्स भी स्टॉक तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेहर क्या है कि मार्केट जिस टेरिटरी में, अमूमन हम देखते हैं कि निफ्टी जो है 80-100 पॉइंट्स का मूव लेने के बाद एक रिट्रेस करता है, और जिस टेरिटरी में निफ्टी अब एंटर करा है, काफी बड़ी नेकलाइन को तोड़ा है, और मेरे को लगता है निफ्टी के अंदर 250-300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं उन पे नजर रखनी चाहिए। M&M एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है मौजूदा स्तरों पर। इस पे चार्ज देखिए, SBI फंस रहा है काफी, SBI पे बात करते हैं। SBI 220 पांच दिन से इस स्टॉक ने रुला के रख दिया, लेकिन इसी अगर आप देखें तो साथ बाकी दूसरे काउंटर्स जो है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो अच्छा कर रहे हैं। हेमंत, आपकी अप्रोच क्या है? SBI को आप अवॉइड करेंगे फॉर द टाइमिंग? इट्स ओवरबॉट, ये 220 के सप्लाई जोन को पार नहीं कर पा रहा है। लास्ट वीक तो समझ में आ रहा था कि हाँ 220 का कॉल आइटर है, लेकिन अब क्या वजह है? या फिर आप मिड कैप में कुछ और पिक करना चाहेंगे, लार्ज कैप में ही प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में कुछ पिक करना चाहेंगे? देखिए वीरेंद्र, जहां तक बैंकिंग की बात रह गई, एक चीज है कि इस बार रोल ओवर्स प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और ज्यादा अच्छे हुए भी हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा तेजी रहेगी। एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये दोनों ही मुझे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। जहां तक SBI की बात रह गई, देखिए बेस चेंज हो गया है, मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इतने गेन्स के बाद, थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। 225 का बहुत अहम लेवल है, विच इज द 200 डेज मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से अगर स्टॉक 225 के ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी रैली शुरू होगी, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू ये है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं, या तो आप 218 का स्टॉप लॉस रख दीजिए, या एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा नीचे ये स्टॉक आ सकता है 210-212 तक। बिल्कुल, चलिए कुछ कुछ स्टॉक्स जो कि इस समय अपने हाइस पर हैं उनको और देख लेते हैं। एशियन पेंट्स है, अमेरिको इसमें बाइंग आ रही है, भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड इनफैक्ट अपने हाई पर है इस समय, दिन के हाई लेवल्स पर है, अच्छा रुझान यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स में एक तो देखिए BHEL 4% ऊपर है, गेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन पर अच्छा मूव है। BHEL पर हेमंत क्या सलाह है आपकी? देखिए इस बार बहुत अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं BHEL में। मेरे हिसाब से बहुत टाइम के बाद स्टॉक में मैंने 86% पोजीशन रोल होते हुए देखी है, और अब 120 का पुट राइटर मार्केट में सपोर्ट कर रहा है। यस, 137-140 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे अगर आपने आज लॉन्ग किया है तो बुक करना चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी लॉन्ग नहीं की भी किया है तो इस लेवल पे भी मैं लॉन्ग की सलाह दूंगा। 128 का स्टॉप लॉस और 137-140 का टारगेट मुझे लगता है वहां तक भेल पहुंच जाएगा। और कुछ स्टॉक्स जो कि मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं इसमें, अगर आप HUL को देखें आज, ये देखिए HUL आपको शायद चार्टनी के लिए नहीं लगेगा कि कोई ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ये अब ऑलमोस्ट CY16 के हाईएस्ट क्लस्टर में कारोबार कर रहा है, हाईएस्ट क्लस्टर्स में। तो एज ए इन्वेस्टर
अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है तो शायद एक एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है स्टॉक, जहां पर आपको एक रेंज से निकल के, अब देखिए मेरे को स्क्रीन पे विजिबल क्या है, 898, 900 काटा तो कहां तक का संभव है, 950 और 100, यानी 5% आप अर्न कर सकते हैं अगर आप कुछ समय दे तो। सिद्धार्थ, HUL, ITC, डाबर, मेरिको, इमामी, ब्रिटानिया, इनमें से आपकी प्रिफर्ड चॉइस कौन सी होगी इस वक्त? देखिए अगर क्रम सर बोला जाए तो पहले पिक होनी चाहिए इमामी, फिर मेरिको, HUL, और साथ ही साथ कंजम्पशन स्पेस में हम कई और स्टॉक्स ट्रैक करते हैं जैसे कि एवरेडी, जहां पे हम समझते हैं कि ये सारी कंपनियां बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है, हालांकि थोड़ी हटके है। अब तीन स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो FMCG पैक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। पहले तो बजट में जो स्पेंडिंग की गई है रूरल के लिए वो एक हो गया, दूसरा मानसून बेहतर हो रहा है तो रूरल इकोनॉमी और अच्छा हो सकता है, और तीसरा जो 7 पे कमीशन है। हैविंग सेट दैट, ये सारे FMCG पैक जो रूरल स्पेस में जो इनकम की कमी थी उस कारण से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली HUL, तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में इस पे वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी इंप्रूव हो सकता है। हम मानते हैं कि 6% से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है, और ओवरऑल स्पेस में प्राइस कट के कारण वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, अपने हिसाब से ऑर्गेनिकली वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। तो HUL, इमामी, मेरिको, ये सभी स्टॉक पे मैं मानता हूँ कि दाव लगाना चाहिए। इनफैक्ट HUL पर वो जो खबर भी थी कल वो भी अहम थी कि ये अपने जो रिजर्व्स हैं उसे शिफ्टिंग करना चाहते हैं। अब आपने इसके बाद की एक बार ITC भी देख लेते हैं, आज एक्स बोनस हुआ है ITC, यहाँ पर हेमंत अब क्या देख रहे हैं आप रुझान? देखिए जहां तक FMCG की बात रह गई, मैं एक दो चीजें जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे मिड कैप में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जैसे टाटा ग्लोबल, मुझे ऐसे लगता है 92% पोजीशन रोल हुई है और सारे ही टी स्टॉक्स में तेजी है, वो मुझे लगता है 138-140 तक का टारगेट वहां मुझे लग रहा है। कमिंग बैक टू हैवी वेट्स, HUL और ITC दोनों ही, जैसे अभी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, और HUL में 920 तक का टारगेट पॉसिबल है। ITC मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान थोड़ा सा इसलिए रखने की जरूरत है क्योंकि शायद बोनस ट्रिपिंग के रहते हुए थोड़ी बिकवाली देखने को मिले एक दो दिनों में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं साइडवेज रहने की सलाह दूंगा। लेकिन HUL मुझे भी लग रहा है 920 तक जाता हुआ, और मेरा प्रेफरेंस है इफ यू कैन बाय टाटा ग्लोबल फॉर अ टारगेट ऑफ 140, मुझे वो टेक्निकली और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जी, इस बीच आप देखिए L&T की बात हम कर रहे थे, L&T फाइनेंस को आप नहीं छोड़ सकते, 70 से 82 यानी करीब 12 रुपए का मूव, यानी अप्रोक्सीमेटली आपका अप्रोक्सीमेटली 11 से 12% का जो मूव है ये आया जो इसमें आप देखिए स्टॉक ने क्या पार किया, अपना पूरा का पूरा मई का लो और मई का हाई दोनों काट दिया, लो भी काटा और हाई भी काटा। राकेश, मैं शायद इस चार्ट को जब तक डेली पर देखूं, वीकली पर देखूं तो शायद आभास नहीं होगा कि इसने क्या किया, लेकिन मंथली पे देखें तब लगता है कि हाँ ये चीज़ पकड़ने वाली, ये चीज़ करने वाली है। क्या कहते हैं आप इस स्टॉक पे, L&T फाइनेंस पे? देखिए वरिंदर, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो नीचे से 51 रुपीज़ से एक नॉन स्टॉप रैली चलती आई है, बीच बीच में छोटी छोटी करेक्शंस आई हैं, और स्टॉक ने अब एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है ये, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है स्टॉक को, मेरे को लगता है बाय करना चाहिए 91 से 92 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, एक बार इस बार माना कर गैस को एक बार देख लेते हैं, ये अपने दिन के सबसे निचले लेवल पर है अभी भी, खैर जो इश्यू प्राइस था उससे तो है ही 102 रुपये ऊपर, लेकिन दिन के इसके लिए ये दिन का सबसे निचला लेवल है आज का, जहाँ पर ये समय है 520 का, इनफैक्ट इसने लो हिट किया और 523 के आसपास है। अल्ट्राटेक पर एक बार नज़र डालते हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने ये कहा है कि JP एसोसिएट्स के साथ उनकी जो डील है वो वैलिड है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये फिलहाल अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि आज उस तरह की खबरें थी कुछ कि ये जो डील है दैट इज ऑल्सो अंडर डाउट। अल्ट्राटेक सीमेंट आपको कैसा लगता है राकेश? देखिए बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट लिया हुआ है। इस स्टॉक को देखें तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में मिहिर चल रहा है, स्टॉक एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है, मुझे लगता है 35-50, 35-60 के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक ऊपर में। चलिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजेश अग्रवाल है, फंडामेंटली बाजार को आंकते हैं कोलकाता स्टूडियो से। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश,
आई मीन इस ब्रेकआउट के साथ जब मिड कैप्स चल रहे हैं, लार्ज कैप्स चल रहे हैं, आई मीन एक सेकुलर मूव बाजार में दिखाई दे रहा है। ब्रेक्जिट आप भूल के आ चुके हैं जून की सीरीज के मिड में, अभी आप अपने एग्जैक्टली क्लाइंट्स को क्या खरीदवा रहे हैं, लार्ज कैप में कुछ, मिड कैप में कुछ, स्मॉल कैप में, इंटरेस्ट कहाँ पर है इस वक्त आपका? देखिए बाजार का जो इंटरेस्ट है वो अगर कहूँ तो ज़्यादातर मिड कैप के साइड में ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके की तेज़ी मिड कैप में चल रही है वैसी फ्रंट लाइन स्टॉक्स में अभी नहीं आई है। लेकिन चूंकि 8300-8350 का लेवल्स पे निफ्टी चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर भी आपको बिकवाली नज़र आए। तो बेहतर स्थिति में ये होगा कि फ्रंट लाइन स्टॉक्स अगर आपको लेना हो तो थोड़ा इंतज़ार कर ले। मिड कैप्स में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छी बाइंग लेवल्स पे हैं, वहाँ पे खरीदारी की सलाह हम बिल्कुल दे रहे हैं। कुछ चुनिंदा सेक्टर की अगर बात करूँ तो हमें लगता है कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हो या मिड कैप में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हो, वहाँ थोड़ा सी अच्छी बाइंग है। इवन चाय की कंपनियों में हमें लगता है कि थोड़ी सी मूवमेंट अभी भी बाकी है। जी इस बीच 8335 पर है निफ्टी, अब कोशिश करेगा फिर से एक बार 8350 के पार निकलने की। इस बीच थोड़ा डेरिवेटिव्स दिख देते हैं मैं, एग्जैक्टली वादा कारोबार में क्या हो रहा है, लेट्स चेक डेरिवेटिव्स। निफ्टी स्पॉट आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें किस ट्रेजेक्ट्री में है, और साथ ही साथ निफ्टी फ्यूचर्स करीब सुबह 17 अंकों का प्रीमियम था, 18 अंकों का प्रीमियम था, 8335 आपका स्पॉट है, निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 5-7-15 प्रीमियम्स बढ़े हैं थोड़े बहुत यहाँ पे। सुबह से सिग्निफिकेंट बैंक है, करीब 8.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, तो अच्छी खासी बैंक अभी भी बरकरार है। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक में जो ट्रेडर्स हैं ना उनकी पोजीशन अभी भी कायम है लॉन्ग साइड पे, सुबह से इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, हालांकि लेटर हाफ में कम हुआ, सुबह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था लगभग 2 लाख शेयरों का। और अच्छी बात है कि ये 18,100 के पास ज़्यादा वक्त गुजार रहा है। अब आइए आप कॉल्स पुट पे देखें, स्ट्राइक्स पे, एट द मनी स्ट्राइक्स को देखते हैं पहले। अगर आप 8300 की कॉल को देखिए वहाँ क्या हो रहा है, 83, 84, 85, इन तीन स्ट्राइक्स को देखते हैं, और उसके बाद हेमंत से स्ट्रेटजी भी पूछेंगे। आपकी 8300 की कॉल लगभग आउटस्टैंडिंग वाइव 22 लाख 3.5 लाख से जुड़े, दैट्स गुड, अच्छी अगर आप देखें बाएंगे, लेकिन स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पर जाइए आप इस वक्त 8400, यहाँ पे करीब 3.5 लाख 32 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट से जुड़े हैं, ये आउटस्टैंडिंग है 3.5 लाख से जुड़े हैं। और 8500 की कॉल में क्या हो रहा है, 8500 की कॉल में यहाँ पर 6 लाख प्रीमियम करीब 4 रुपये बढ़ा, और आउटस्टैंडिंग वाई अब 44 लाख पहुंच चुका है, दैट्स गुड, आई मीन ज़्यादा एम्फेसाइज ट्रेडर्स यहाँ पे कर रहे हैं। खैर इसका इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 64 रुपये प्रीमियम याद रखिए अपने जहन में। पुट्स पे आइए जरा एक बार, 8300 की पुट क्या कर रही है यहाँ पे इस वक्त, 8300 की पुट में यहाँ पे करीब 12 लाख शेयर, 15% प्रीमियम रिड्यूस हुआ, 20 रुपये खा गया अगर आप देखें तो आज राइटर, तो लगभग पुट राइटिंग 8300 के आसपास अच्छी हो रही है। 8200 की पुट को देखते हैं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है, 8200 की पुट है, कन्विक्शन वहाँ पे पुट राइटर का क्या कह रहा है, इसका आउटस्टैंडिंग वाई अब पहुँच गया है 35 लाख 13 लाख, यानी 8200 और 8300 पे हेमंत काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग। नाउ सी हेमंत, आपको प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे हैं अभी, मैं नेकेड बाय करूँ प्लेन वनीला पे जाऊँ इस वक्त अगर यहाँ से आगे की तेज़ी खेलनी है, या फिर स्प्रेड क्रिएट करना ज़्यादा अच्छा है इस वक्त तेज़ी खेलने के लिए? देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से थोड़ा स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है कि बाजार 85 पे काफी कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत इजी रन नहीं रहेगा टू क्रॉस 8450-8480 बैरियर। तो मेरे हिसाब से अगर आप 8300 का कॉल लेकर 8500 का बेचते हैं तो जो स्प्रेड है वो आपका लगभग 70-80 रुपए का रहेगा, और प्रॉफिट जो है वो 110-120 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो मेरे ख्याल स्प्रेड यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। इस बीच टेक्सटाइल सेक्रेटरी रश्मि वर्मा ने कहा है कि सरकार से 6000 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी मिली है, जिसका सीधा इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा, एक तरीके से बूस्ट मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर को, और साथ ही करीब 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पैकेज हमने गारमेंटिंग सेक्टर के लिए अनाउंस किया है सरकार ने, इसमें 6000 करोड़ का ये पैकेज है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने स्पेशल इंसेंटिव्स गारमेंटिंग सेक्टर के लिए दिए हैं इसके द्वारा करीब 1 करोड़ रोजगार हम सृजित कर पाएंगे अपने देश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 करोड़ में से करीब 70% रोजगार महिलाओं को जाएगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, न केवल रोजगार सृजित करने के लिए बल्कि महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। राजेश, हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी भी थी,
आपका व्यू क्या है टेक्सटाइल स्टॉक्स पर राजेश? देखिए सही कहा आपने कि बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हम समझते हैं कि अभी बहुत सा स्कोप बाकी है, क्योंकि बहुत ज़माने से अंडर परफॉर्म करता हुआ यह सेक्टर है और ये कैचअप करना भी बाकी है। तो इसमें कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां अभी भी स्टीम लेफ्ट है, फॉर एग्जांपल अरविंद, अगर फ्रंट लाइन की बात करूं तो, सेकंड लाइन में बात करूं तो वर्धमान एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और वहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हम। इस बीच मिड कैप में, और मिड कैप पे बहुत मुश्किल से ट्रेड मिल रहे हैं इंस्पेक्टर, 7685 पे जैकॉप, ये कैसा लग रहा है? मीन आपको राकेश, जैकॉप चेज करना चाहिए इसको छोटे वॉल्यूम्स के साथ? देखिए टेक्निकली तो पैटर्न काफ़ी अच्छा है और चेस किया जा सकता है जिस तरीके से इस स्टॉक का पैटर्न है। 74 के ऊपर स्टॉक निकला है एक नई टेरिटरी के अंदर, मुझे लगता है इसमें 81-82 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आप देखिए इन्फोसिस 1173 पर, हेमंत परसों आपने एक बात जो मेंशन की थी वो ये थी कि 1150 अगर ना टूटे तो तब तक शॉर्ट मत जाइएगा, लेकिन हेमंत ठीक है एक्सपायरी के पास यानी जब बृहस्पतिवार से पहले मंगल बुध बृहस्पति में हमने थोड़ी बहुत कवरिंग देख ली, आई थिंक शॉर्ट को एक एग्जिट मिल रहा था वो कर गया और वो कवरिंग थोड़ा सा ऊपर भी ले आई, बट फ्रेश शॉर्ट जाने के लिए ये स्टॉक ठीक है क्या, या फिर एटलीस्ट 1150 का पुट ऑप्शन सिक्योर करना? नहीं वीरेंद्र, मेरे हिसाब से अभी भी 1150 का पुट लेना ज्यादा सिक्योर्ड रहेगा। उसका रीजन क्या है कि स्टॉक बहुत टाइम से एक साइडवेज रेंज में है, 1150 से लेके 1200 के बीच में वो स्टॉक बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, तो जब तक 1150 के नीचे कन्विंसिंगली नहीं तोड़ेगा तब तक बहुत लंबा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा नीचे की साइड। तो बेटर है कि आप पुट लीजिए, एक तो पुट में अगर स्टॉक 1140 तक भी आता है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड, दूसरी चीज ये है कि आपका नुकसान कम होगा अगर कभी स्टॉक 1200 के ऊपर निकल गया तो। तो मेरे ख्याल से आप 1150 का पुट लीजिए, दैट इज अ गुड बेट ऑन इन्फोसिस। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार स्टील स्ट्रिप व्हील्स को देख लेते हैं। अभी अभी कंपनी की तरफ से बयान आया है कि इनकी जो बिक्री है उसमें 13% का इजाफा वॉल्यूम में देखने को मिला है जून में, और साथ ही जो पैसेंजर कार्स पर इनका वॉल्यूम है उसमें करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है, काउंटर करीब 3.25% ऊपर है स्टील स्ट्रिप व्हील्स। साथ ही भारत फोर्ज में भी हमने एक अच्छा स्पाइक देखा है। हेमंत, भारत फोर्ज पर क्या कहेंगे? देखिए जहां तक भारत फोर्ज की बात रह गई, मेरे ख्याल से स्टॉक में अब सपोर्टिव बाइंग देखने को मिल रही है, बहुत टाइम के बाद स्टॉक अब 750 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। मेरे ख्याल से इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट हमें 805 का देखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि 810 के ऊपर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि 820 का स्तर था जो आज से 2 महीने पहले इसने नीचे की साइड तोड़ा है, तो वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में स्टॉक 810 तक जाता हुआ मुझे लग रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 750।